कैसा एग्जाम क्या सर? हम एग्जाम आपने भी हो गया। कितना बना है? 63 बना है। हाँ। कुछ करंट अफेयर से बताइए। कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन गर्दा हो गया। मैथ कैलकुलेशन आ रही है, बस मैथ कैलकुलेशन आ रहा है। कादो नहीं ना हो रहा है? क्या कादो नहीं ना हो रहा है? गर्दा हो रहा है। अच्छा, कैसा एग्जाम गया सर जी? कितना अटेंड किए? अच्छा गया। कितना अटेंड किए? 60 किए। कुछ बता दीजिए जीके जी सर, ध्यान में है क्या? कुछ जीके जी से याद है क्या? जीके जी से आया था राके, ये जो अगला बार भाला फेंका था, ये दिखे नहीं, नाम भुला रहे हैं। अच्छा, भाला से संबंधित था? हाँ, भाला संबंधित था। कितना भाला से? कितना मीटर था? अच्छा, कितना मीटर था? नीरज चोपड़ा के बारे में? नीरज चोपड़ा के बारे में कितना मीटर फेंके हैं? वही था। अच्छा, कितना मीटर फेंके हैं? और करंट अफेयर में कुछ था क्या देखने? हाँ, कुछ हरियाणा का लोकनीति है, मतलब पूछा गया था। रक्षाबंधन मनाया गया कौन सा माह में? अगस्त में। मतलब नृत्य त्योहार से ही था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन का कौची में मनाया जाता है। लोक नृत्य क्या है? नीति आयोग से क्या था? योजना आयोग से था। योजना से क्या मिला? लास्ट वाला योजना आयोग कौन सा था? योजना वो नीति आयोग। आर्टिकल से क्या मिला? आर्टिकल से मौलिक अधिकार मिला, किस से लिया गया है? अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार था पंचवर्षीय योजना का। आयरलैंड से उसमें सबसे अधिक था। पंचवर्षीय योजना कब अंतिम हुआ था? बारहवां अंतिम था। हाथी का मतलब इसमें से कौन सा परिवाची नहीं है? परिवाची नहीं है। बहुत सा बड़ा मुहावरा में क्या मिला देखने? मुहावरा में तो मुहावरा ही था। किस टाइप का? कितना मुहावरा था? लगभग कितना मुहावरा था? एक से दो। लड़ना झगड़ना उसका अर्थ बनाना था। मैथ बताइएगा, परसेंटेज क्या को देखने को मिला? मतलब चार से पाँच मिला। चार से पाँच मिला परसेंटेज से। और दूरी से था क्या? दूरी समय दूरी से एक क्वेश्चन था। रेलवे संबंधित था? दो क्वेश्चन था। किस टाइप था? दो क्वेश्चन था। ट्रेन के बोला कितना सेकंड में पार करेगा? कितना सेकंड में पार करेगा? नाव और धारा से देखने को? नाव धारा से नहीं था। वाटर इमेज से रीजनिंग देखने को? वाटर इमेज से नहीं, वाटर इमेज नहीं था। वाटर इमेज नहीं था, मिरर इमेज था। मिरर इमेज नहीं, वो रखा जाता है। ये था रीजनिंग पूरा हलवा था। अच्छा, रीजनिंग हलवा था। एक डूम मतलब हार्ड वाला था। मैथ कैलकुलेशन, मैथ को कैलकुलेशन कर दिया गया। रीजनिंग सबसे हल्का, रीजनिंग टाइम बहुत कम। कोडिंग डिकोडिंग कितना मिला देखने को? कोडिंग डिकोडिंग दो क्वेश्चन चार। कोडिंग डिकोडिंग हल्का इजी था, बिल्कुल पेपर सही आया। मैथ रीजनिंग स्टडी पॉइंट कैलकुलेशन था। मैथ कैलकुलेशन था जी। क्या साइंस में कुछ देखने को पता है? कि साइंस में कुछ बताइए। एक क्वेश्चन था साइंस से, एक क्वेश्चन था। क्या था कुछ बता दीजिए? याद नहीं आ रहा है। मेढक का बच्चा मतलब क्या देता है? वो वाला हम देखे थे। मैं लार्वा वाला वही था। क्या छोड़ता है? लार्वा। और दो क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला ने रीजनिंग बना दिया था उसको। चक्रवर्ती से कितना क्वेश्चन था? दो क्वेश्चन था। क्या लग रहा है, हाई कर दिया गया या सेम? क्वेश्चन सब आ रहा था, सिंपल क्वेश्चन सब आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं बच पाया। क्वेश्चन सब आ रहा था, मैं तो क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन उतना हार्ड नहीं था, मीडियम में था। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है भैया, प्रैक्टिस। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार है। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम बहुत मस्त गया। अटेंड किए आप? लगभग 70 अटेंड किए हैं। 70 अटेंड किए जी। और जीके जी इसमें कुछ ध्यान में है क्या? हाँ, था नीरज चोपड़ा जो फेंका हुआ था ओलंपिक में, और उसके बाद रक्षाबंधन कब होता है, तो रक्षाबंधन के बारे में पूछा था, कौन से महीने में होता है? अगस्त में होता है, सबको पता है। बस ये क्वेश्चन सब इजी था, अगर विद्यार्थी मेहनत करके आया होगा तो जरूर सफल मिलेगा। आने वाले कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं? आने वाले देना चाहिए ध्यान, क्या क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन है चारों का चारों इम्पोर्टेंट। हिंदी में क्या लग रहा है? हिंदी बहुत इजी है, अगर हिंदी 8वां 9वां 10वां का हिंदी जो पढ़ के आएगा फिक्स, उसका 20 में 19 बनेगा। अच्छा, इसमें गधान सर से कितना मिला देखने को? 4 क्वेश्चन था गधान से। 4 जी। और परिवाची शब्द में कुछ बता दीजिए। नहीं, परिवाची शब्द में नहीं, एक भरने वाला कुछ था क्या? भरने वाला दिया था क्या? भरने वाला था एक दो था, भरने वाला दो था। अच्छा, कितना अटेंड किए आप? आ जाइए थंबनेल में, आ जाइए आप लोग, आ जाइए रहो सर जी, भैया आ जाइए थंबनेल में, आ जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कितना अटेंड किए? 55 अटेंड किए देना, हम इसके साथ में आया। अच्छा, कुछ जीके जी से याद है क्या? ना पढ़े वाला लेकिन रक्षाबंधन और याद है। चलिए, अस्सी में अस्सी मार दिए।
अरे भाई गर्दा उड़ा दिए आप, ये बार टॉप हम ही है, टॉप आप ही कर रहे हैं। देखिए भाई भी नो दिए गए हो, ऐसी मारे हैं क्या हुआ? फर रहा था यहाँ तो साठ के लग गया था। अच्छा अरे भाई ऐसे नहीं वायरल करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिडेट को क्या करना चाहते हैं? आने वाला कैंडिडेट का आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर के आना होगा, आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के आना होगा, जो डाक द्वारा घर पर आया है ना वो आधार कार्ड आना होगा लेकर के, न तो फिर यहाँ अथी मतलब जो अथी जो साइबर कैब से जो फिर यहाँ निकलवाया पड़ेगा, 100 रुपया 120 रुपया उसको लग जाएगा। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड है तो घर से ही लेकर आवे। अच्छा मैट्रिक का मार्कशीट भी मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग तो घर नहीं है। हाँ पैन कार्ड रहेगा तो बहुत सेफ है। हाँ पैन कार्ड है तो बहुत सेफ है, पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो डॉक्यूमेंट खोजा जाए। हाँ पैन कार्ड और आधार कार्ड रहेगा तो और सेफ है। आने वाले कैंडिडेट को ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, किसी मतलब पैन कार्ड भी लेकर के आवे ना, तो आधार कार्ड अगर वो भी रहेगा ना तो पैन कार्ड से पास कर दिया जाएगा। अच्छा पैन कार्ड से पास, डॉक्यूमेंट लेके अनिवार्य है। हाँ अनिवार्य है, हम तो पैन कार्ड से ही पास हुए हैं। अच्छा अंदर में कोई दिक्कत भी हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हम तो पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लेके आए थे, हम तो पैन कार्ड से ही पास हुए हैं। आने वाले कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं? आने वाले कैंडिडेट को कहना चाहते हैं कि सर पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लेकर के आवे, और आधार कार्ड अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड लंबा वाला जो मतलब आधार कार्ड डाक द्वारा घर होता है, हाँ नेट से भी निकलता है, हाँ नेट से जो निकलता है वो नहीं लेके आवे, जो डाक द्वारा घर पे आया ना है वो आधार कार्ड कर लेके आना होगा। हाँ थैंक यू। दिलीप कुमार जय।